नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरो इंजन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडिया को तकरीबन आने वाले 10 से 12 सालों में कम से कम 1500 इंजन की रिक्वायरमेंट है। और इतने बड़े इंजन के मार्केट को देखते हुए दुनिया की जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां हैं, वो इंडिया के इतने बड़े इंजन रिक्वायरमेंट मार्केट को कैश इन करना चाहते हैं। और कुछ ऐसा ही एक नया प्रपोजल सामने आया है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अभी फ्रांस में हैं, और इसी दरमियान डिफेंस मिनिस्टर ने आज ही साफरान फैसिलिटी को विजिट किया है। और वहां से कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है कि साफरान ने भारत को यह ऑफर किया है कि वो भारत के लिए जो भी इंजन की रिक्वायरमेंट्स है, एमका के लिए, जो कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो एमका के इंजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ्रांस और साफरान ऐसा चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर एमका के लिए एरो इंजन डेवलप करे, वो भी इंफ्रा प्रपोजल के अंतर्गत। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री G7 समिट के लिए गए थे। उन्होंने इंफ्रा इंडिया और फ्रांस का एक प्रपोजल रखा था, और दोनों देशों को बहुत सारे मुद्दों पे एक साथ काम करने के लिए ये प्रपोजल था। और इसी प्रपोजल के अंतर्गत साफरान और फ्रांस चाहती है कि इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट होने वाली है एमका प्रोजेक्ट के लिए, और उसके लिए जो वो नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं इंजन बनाने के लिए, और ये इंजन तकरीबन 110 से लेके 125 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट डेवलप कर सके, और इसके लिए भारतीय पार्टनर GTRE एक फॉरेन पार्टनर की तलाश में है। तो इसी मौके को देखते हुए साफरान ने एक प्रेजेंटेशन दिया है आज डिफेंस मिनिस्टर को कि वो एमका के लिए इंजन बनाने को तैयार है। वहीं पे जहां तक बात है कावेरी इंजन की, तो उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में कावेरी इंजन के कोर को चेंज करने के लिए भी प्रपोजल रखा है। तो ये दो प्रकार के प्रपोजल सामने दिख रहे हैं अभी। और फ्रांस का मानना यह है कि इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पे हम इस तरह के एरोस्पेस इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए राजी हैं, जो कि हम GTRE को करना चाहेंगे, और जिसकी वजह से इंडिया फ्यूचर में ऑटोनोमस बन पाएगा एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, और वो अपने खुद के इंजन अपने एयरक्राफ्ट्स में लगा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रपोजल अभी फ्रांस और साफरान ने दिया है, ये कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया है। वो डिपेंड करता है आपके GTRE पे कि वो किस तरह की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है उनको एब्जॉर्ब करने में सक्षम होंगे वो। अगर मैं अपनी राय रखता हूँ तो एमका प्रोजेक्ट के लिए, जो भारत एक लो बाईपास इंजन बनाने के लिए जो पार्टनर ढूंढ रहा है, तो साफरान एक सही पार्टनर होगा, क्योंकि साफरान के पास अगर आप बात करते हो थर्मल बैरियर कोटिंग की, तो वो भी अच्छा खासा है। वहीं पर अगर आप बात करते हो अगर फ्यूचर में किसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मान लो अडेप्टिव साइकिल इंजन, जो कि फ्यूचरिस्टिक इंजन होंगे, तो उस तरह के इंजन को बनाने के लिए भी फ्रांस अभी US के GE के साथ काम कर रहा है, और वहां पे GE के जो भी CMC मटेरियल्स हैं उनको बनाने में साफरान एक हेल्पिंग पार्टनर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि साफरान के पास जो भी फ्यूचर के टेक्स या फिर मटेरियल्स होंगे उनका भी एक्सपीरियंस इन्हें GE से मिल रहा है, जो कि फ्यूचर के एयरक्राफ्ट्स में अडेप्टिव साइकिल इंजन यूज करने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से भी साफरान एक अच्छा पार्टनर होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो, तो ऐसा आपको कोई पार्टनर मिलने नहीं जा रहा है जो कि एरो इंजन की टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करेगा। तो उस लिहाज से ये एक अच्छा ऑफर देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।